गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील कर रहे हैं वो है तुम्हारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो पिछले बार जो लास्ट क्लास में तुम लोग को लेक्चर दिए थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ तक हम बता दिए थे सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो कॉस्ट एस्टिमेशन का ये जो है तुम्हारा ये जो फिगर है ये तुमको बता दे रहा है कि कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंजीनियर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंक्शनल ग्रुप, कैसे कैसा है, स्पेसिफिकेशन में रहेगा, डिजाइन में रहेगा, कोडिंग में रहेगा, टेस्टिंग में रहेगा और मेंटेनेंस में रहेगा। ठीक है, इंजीनियर्स फॉर्म अ फंक्शनल ग्रुप गेट्स असाइंड द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, स्पेशलाइजेशन, ईजी इन स्टाफिंग, गुड डॉक्यूमेंटेशन टू इज प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट फेजेज आर कैरीड आउट बाई द डिफरेंट टीम्स ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, इंजीनियर्स गेट असाइन टू अ प्रोजेक्ट फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सेम सेट ऑफ इंजीनियर्स कैरी आउट ऑल द फेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस में क्या है, इंजीनियर्स सेव्स टाइम लर्निंग डिटेल्स ऑफ एवरी प्रोजेक्ट, लीड्स टू जॉब रोटेशन। फिर नेक्स्ट में आता है टीम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यानी कि टीम स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज एंड साइजेस रिक्वायर अ डिफरेंट टीम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या आता है, चीफ प्रोग्रामर टीम, डेमोक्रेटिक टीम, मिक्सड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम स्ट्रक्चर। डेमोक्रेटिक टीम क्या हो रहा है, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, रिक्वायर्स लेस देन 5 or 6 इंजीनियर्स। ठीक है, 5 or 6 इंजीनियर्स, और इसके बाद रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। अ मैनेजर प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड टेक्निकल लीडरशिप। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक टीम्स में क्या आते हैं, क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स हायर मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन टू द इंजीनियर्स, therefore leads to less employee turnover. ठीक है, suitable for less understood problems. ठीक है, a group of engineers can invent better solution than a single individual. ठीक है, फिर democratic teams में देखो disadvantages, team members may waste a lot of time arguing about the tribal points, एबसेंस ऑफ एनी अथॉरिटी इज इन द टीम। तो ये एक डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक टीम का। और फिर नेक्स्ट में आते हैं चीफ प्रोग्रामर टीम, अ सीनियर इंजीनियर प्रोवाइड्स अ टेक्निकल लीडरशिप, पार्टीशंस द टास्क अमंग द डिफरेंट टीम मेंबर्स, वेरीफाइज एंड इंटीग्रेट्स द प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय द मेंबर्स। ठीक है, ये चीफ प्रोग्रामर टीम में क्या है, वर्क्स वेल, the task is well understood also in the intellectual grasp of the single individuals. ठीक है, importance of early completion outweighs other factors. ठीक है, team morale, personal development, ये जो है these are the things. ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं chief programmer team. Chief programmer team is subject to single point failure, too much responsibility and authority is assigned to the chief programmer. ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं टीम ऑर्गेनाइजेशन। तो टीम ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, दिस इज चीफ प्रोग्रामर टीम, यानी कि एक हेड रहेगा, इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा बाकी दूसरा सब हेड रहेगा, बाकी ये इंटरेक्ट कर रहा है। तो दीज आर द बेसिकली द टीम ऑर्गेनाइजेशन टीम। और डेमोक्रेटिक टीम में क्या है कि कोई किसी से भी कहीं भी किसी समय भी किसी से बात कर सकता है, यानी कि दिस इज कनेक्टेड विद द ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, तो दैट इज द फिगर डेमोक्रेटिक टीम। फिर मिक्स टीम ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे मिक्स टीम यानी कि इस तरीके का भी, यानी कि हेड भी है, हेड है, फिर वो सब हेड से किसी से भी बात कर सकता है, यानी कि ये इस तरीके से मिक्स टीम यानी कि दोनों का मिक्सचर, एक डेमोक्रेटिक और एक है चीफ प्रोग्रामर टीम, चीफ प्रोग्रामर टीम एंड डेमोक्रेटिक टीम, दोनों का मिक्सचर जो है। स्टाफिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूजुअली टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चूजिंग देयर टीम। ठीक है,
need to identify and select the software engineers for the success of the project. Staffing. A common misconception of a software engineer is to productive as the another. तो यहाँ पे स्टाफिंग पे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, यहाँ तक तुम लोग देख लेना, ठीक है।